सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 852वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को रंग रंगीलो कूड़ादान चित्रांकन डस्टबिन पर चित्रकला प्रतियोगिता सूचना केंद्र में आयोजित की गई। उपमहापौर संपत साखला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर डस्टबिन पर प्रतिभागियों द्वारा रंग कर संदेश दिया गया कि हम अपने घर का कचरा कूड़ेदान में ही डालें। यदि हमारा घर स्वच्छ रहेगा तो वार्ड, शहर और हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा। प्रतिभागियों ने रंग कर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रतियोगिता समन्वयक संजय कुमार सेठी ने बताया कि जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए रंग रंगीलो कूड़ादान चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने डस्टबिन, प्रकृति चित्रण, फूल पत्तियां, कार्टून कैरेक्टर और साफ सफाई संबंधी संदेशों को उकेरा। प्रतियोगिता में तीनों वर्गों के परिणाम इस प्रकार है। कनिष्ठ वर्ग में अक्षय महेश्वरी प्रथम, पलक शर्मा द्वितीय और रिद्धि शर्मा तृतीय। द्वितीय ग्रुप में दिव्या दुलार प्रथम, रक्षित शर्मा द्वितीय। वरिष्ठ ग्रुप में अस्मिता शर्मा प्रथम, प्रियंका शर्मा द्वितीय और ज्योति शर्मा व आयुषी प्रजापति तृतीय रहे। निर्णायक अंजू भार्गव व ज्योति जैन कला की अध्यापिकाओं ने इसका निर्णय लिया। विजेताओं को 12 मई को पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ रोड पर सम्मानित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस अवसर पर एपीआरओ भानु प्रताप, देवेंद्र सिंह शेखावत, कर्ण प्रकाश कृष्णानी, वेद प्रकाश जोशी, योग बाला वैष्णव, महेंद्र कुमार तीर्थानी, हरीश बेरी सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 852वीं जयंती के अवसर पर 11 मई को शहर में ऐतिहासिक मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में धावक धाविकाएं भाग लेंगे। जयंती के अवसर पर जो पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है उसके दौरान आज रंग रंगीलो कूड़ादान प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो कि आज प्रातः 8 बजे से स्थानीय सूचना केंद्र में आयोजित की गई। इसमें तीन ग्रुपों में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रथम कक्षा 6 से 8 तक, द्वितीय कक्षा 9 से 12 तक एवं कॉलेज एवं उससे स्वतंत्र कलाकार इसमें भाग लें उनके लिए खुली रखी गई थी। यह प्रतियोगिता 2 घंटे का समय दिया गया और आवश्यक सामग्री बच्चे भी लाए थे और हमारे द्वारा भी उपलब्ध कराई गई। तीनों ही ग्रुपों में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया जाएगा पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर तारागढ़ पृथ्वीराज चौहान स्मारक। जो आज प्रतियोगिता हुई है सूचना केंद्र में, इससे हमें लोगों को जागरूक करने का मौका मिला है। हमें डस्टबिन हमने यहाँ पे पेंट किए हैं और ये डस्टबिन शहर भर में बटेंगे और काफ़ी अच्छा संदेश पहुँचेगा और सफाई के प्रति लोगों के प्रति जागरूकता बढ़े। हर वर्ष जिस प्रकार से यहाँ के CRPF ग्रुप एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो कि पुलिस लाइन के अन्य नागरिकगण द्वारा मैराथन दौड़ की है, प्रातःकालीन जो व्यवस्था की गई है, ये हर साल प्रतियोगिता होती है। इसमें जो भी लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ग्रुप के हिसाब से, उनको यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के मुख्य समारोह में पुरस्कृत भी किया जाता है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के माध्यम से जिस प्रकार से लोग प्रतिभागी बनेंगे, मैं सोच सकता हूँ कि हर वर्ष लोग उत्साह के साथ भाग लेते हैं और ये कल होने वाली प्रतियोगिता में भी उत्साह से भाग लेंगे, ऐसी मेरी कल्पना है। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति इस ओर प्रयासरत भी है कि अधिकाधिक लोग इस संख्या में भाग लें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान आयोजन समिति की ओर से आज सूचना केंद्र परिसर में रंग भरो कूड़ादान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति द्वारा इस बार एक नवाचार कर स्वच्छ भारत के मिशन को किस प्रकार से जागृत किया जाए बच्चों में और विभिन्न समाज के तबकों में, उसके आधार पर ये करा गया कि एक कूड़ादान रंग भरो कूड़ादान प्रतियोगिता करा जाए कि कूड़ादान इस प्रकार से उनको रंग से प्रोत्साहित कर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 100-125 बच्चों ने इसमें लिया, जो 3 कैटेगरीज में किया गया ये कार्यक्रम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।